जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, जस्टिस में जे कैपिटल, फॉर में एफ कैपिटल, रेलवे में आर कैपिटल, स्टूडेंट्स में एस कैपिटल, यानी कि हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और कल 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे इस हैशटैग का इस्तेमाल करना और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट और रिट्वीट करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं करिश्मा। रेलवे ग्रुप डी का जो कि 2019 में विज्ञापन जारी किया गया था, 2019 में इसका फॉर्म भरा गया था, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अपना फॉर्म भी भरा था, लेकिन अभी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है, जिसको लेकर अभ्यर्थी कल डिजिटल प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप लगातार अभ्यर्थियों की आवाज को उठाते रहते हैं। पहले बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग की डेट को लेकर लगातार छात्र नेता दिलीप आंदोलन कर रहे हैं, तो वही अब छात्र नेता दिलीप रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को लेकर उनके साथ आ गए हैं। पहले सुनिए छात्र नेता दिलीप को, उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी मार्च 2019 में आई थी और उस विज्ञापन में यह कहा गया था कि अगस्त सितंबर 2019 में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, इसके बावजूद भी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं की गई है, जबकि रेलवे ग्रुप डी में लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था और एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। और एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा भी हुई तो भी पिछले साल जब ट्विटर पे देश भर के परीक्षार्थियों ने आंदोलन किया उसके बाद ये परीक्षा आयोजित हुई थी, तो एक बार फिर से देश भर के परीक्षार्थियों को एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है और आंदोलन करने की जरूरत है, ताकि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि घोषित हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट प्रकाशित हो और रेलवे भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किया जाए। कैलेंडर जारी करने का मतलब है कि वो रेलवे भर्ती बोर्ड अपना कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा से संबंधित सारी बातों का जिक्र हो, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि ज्वाइनिंग तक का उसमें जिक्र हो कि कब कब क्या होना है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या होगा, तो कैलेंडर जारी करना बहुत जरूरी है। तो इन सभी मांगों को लेकर कल 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से डिजिटल प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो इस प्रोटेस्ट में आप सभी को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है और देश भर के तमाम शिक्षकगण इसमें शामिल हैं और उन शिक्षकगणों को हम सादर प्रणाम करते हैं जो लगभग 2.5 महीने से इस मुहिम में लगे हुए हैं और देश भर के शिक्षकों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक अधिकतर शिक्षकगण एकजुट हो चुके हैं और वो लोग इस प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं, और जो भी कुछ शिक्षक अभी तक साथ नहीं आए हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी इस मुहिम में साथ आइए और छात्र हित में आवाज उठाइए। और तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि आपकी संख्या 2.5 करोड़ है, अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी को मिला दिया जाए तो लगभग 2.5 करोड़ परीक्षार्थी हैं आप लोग पूरे देश में, तो आपकी संख्या कम नहीं है, आपकी संख्या इतनी है कि आप सरकार को बदल सकते हैं, सरकार हिला सकते हैं, तो इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और एक बार जोरदार आवाज उठाइए 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से। और आपको सुबह 11 बजे से ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है। अब देखिए, जो हैशटैग दिया गया है उसी हैशटैग का आपको इस्तेमाल करना है, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, जस्टिस में जे कैपिटल, फॉर में एफ कैपिटल, रेलवे में आर कैपिटल, स्टूडेंट्स में एस कैपिटल, यानी कि हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और कल 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे इस हैशटैग का इस्तेमाल करना और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट और रिट्वीट करना। और अभी आप छोटा छोटा वीडियो बनाइए, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक का, उसमें अपने दुख दर्द को बताइए, क्या क्या आपको 2.5 साल 3 साल में दुख झेलना पड़ा है और सरकार से आपकी क्या मांग है, रेलवे भर्ती बोर्ड से क्या मांग है, उन सभी का जिक्र करके 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बनाइए, उसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह डालिए। और कल 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट और रिट्वीट कीजिए जो हैशटैग बताया गया है। और जो भी शिक्षक अभी तक इस मुहिम में साथ नहीं आए हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी साथ आ जाइए और साथ दीजिए। और जो भी देश भर के जितने भी शिक्षक हैं, जो खासकर रेलवे की तैयारी करवाते हैं, जनरल कंपटीशन का कोचिंग चलाते हैं, उन शिक्षकगणों से और कोचिंग संचालकों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी साथ आइए, जो लोग अभी तक साथ नहीं आए हैं वो लोग भी साथ आ जाइए और आप लोग भी कम से कम 1-2 वीडियो बना के
आप अपने YouTube चैनल पे या Facebook चलाते हैं, Facebook पे आप डालिए और सरकार से और रेलवे भर्ती बोर्ड से मांग कीजिए, जो जो मांग है हम लोग का परीक्षार्थियों का, उन मांगों का जिक्र कीजिए और सरकार से और रेलवे भर्ती बोर्ड से आप मांग कीजिए कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि घोषित की जाए, एनटीपीसी CBT1 का रिजल्ट प्रकाशित हो और रेलवे का कैलेंडर जारी किया जाए। तो ये सब आप लोग कीजिए। और जो शिक्षकगण भी, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाते हो या ऑनलाइन पढ़ाते हो, जो शिक्षकगण इस मुहिम में साथ नहीं देते हैं तो कल के बाद वैसे शिक्षकगणों का बहिष्कार भी किया जाएगा और सार्वजनिक किया जाएगा। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी, जो देश भर के तमाम परीक्षार्थी आप लोग 2.5 करोड़ हैं, आप लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी इस चीज को देखिए कि कौन शिक्षक है जो आप लोग के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं इस मुहिम में। और जो भी शिक्षक, चाहे वो कोई भी हो, जो भी शिक्षक आपका साथ नहीं देते इस मुहिम में, जो भी शिक्षक वीडियो बना के सरकार से और भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड से अपील नहीं करते हैं, तो फिर वैसे शिक्षकों का आप लोग बहिष्कार कीजिए, वैसे यूट्यूब चैनल का बहिष्कार कीजिए, उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, उसका देखना बंद कीजिए, क्योंकि वैसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको बरगला रहे हैं, उनको आपके हित से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे शिक्षकों का बहिष्कार भी करना जरूरी है। और जो शिक्षक, जितने भी देश भर के शिक्षक हैं जो इस मुहिम में साथ दे रहे हैं, उनको हम दिल से प्रणाम कर रहे हैं और उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, और उनसे हम दिल से प्रणाम उनको कर रहे हैं कि आप इस मुहिम में हम परीक्षार्थियों का साथ दे रहे हैं। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी चुपचाप बैठे मत रहिएगा, जब शिक्षक गण इतने व्यापक पैमाने पे आपके लिए तैयारी कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं और कल साथ दे रहे हैं कल के लिए, तो फिर आप लोग अगर बैठे रहिएगा तो फिर क्या होगा। जब शिक्षक आपके साथ हो रहे हैं, आप ही साथ नहीं आइएगा, नौकरी आपको लेना है। तो आप जितने भी परीक्षार्थी हैं जो 2.5 करोड़ हैं, आप लोग को कल ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है, रिट्वीट करना है और छोटा छोटा वीडियो बना के अभी से आप डालिए सब जगह और सरकार से मांग कीजिए। अगर आप घर बैठे रहिएगा तो फिर आपके लिए कोई कुछ कैसे कर पाएगा। तो इसलिए आप लोग जो 2.5 करोड़ की संख्या में है, आप लोग कल अपनी ताकत दिखाइए और ट्विटर पे 11 बजे से एकदम धुआंधार ट्वीट कीजिए और देखिए सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ेगी। और अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो फिर इसके बाद हम लोग आगे कदम भी उठाएंगे। तब तक हम लोग को कल के ट्विटर अभियान को सफल बनाना है, जो डिजिटल प्रोटेस्ट है उसको सफल बनाना है। तो कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना छात्र नेता दलित को, उनका कहना है कि इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो ताकि सरकार उनकी बातों को सुन सके और जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि को घोषित करें। इसके साथ ही साथ एनटीपीसी को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाया है। उन्होंने कहा है कि एग्जाम तो हो गया लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। इस बार परीक्षार्थी एकजुट होकर डिजिटल प्रोटेस्ट में शामिल हो। आपको उनका ये भी कहना है कि जो भी टीचर है इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।